हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल छापकर। वेलकम टू आशीर्वाद किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी बेसन सेव की रेसिपी। एकदम इजी रेसिपी है और 100% क्रिस्पी सेव बनेगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप बारीक वाला बेसन। यहाँ पे मोटा वाला बेसन यूज़ नहीं करना है। तो 1 कप और उसके बाद ये 1/2 कप मैंने बेसन लिया है। 1/4 टीस्पून हींग ऐड करना है। 2 पिंच जितना हल्दी पाउडर ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करें। और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा। रेडीमेड बेसन की सेव में मैदा ऐड किया जाता है, पर मैंने यहाँ पे चावल का आटा यूज़ किया है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप करें, इसके बिना भी सेव क्रिस्पी बनती है। तो ये भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून ऑयल। आप ध्यान रखें मेजरमेंट का, ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। सिर्फ 1.5 टेबलस्पून ऑयल ही ऐड करना है। और ऑयल को भी आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आटा चम्मच से ही बनाऊँगी, क्योंकि बेसन जो है वो हाथों में बहुत चिपकता है। अब मैंने यहाँ पे 1/2 कप नॉर्मल वाटर लिया है। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और इसका मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। तो मैं इसको स्पून से ही बना रही हूँ। आप चाहे तो हाथों से भी बना सकते हैं, लेकिन बेसन बहुत चिपकता है। तो मैं स्पून से ही इसका डव रेडी कर लूँगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 कप पानी पूरा यूज़ हो चुका है। इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है, स्पून से थोड़ा सा प्रेशर देते जाना है। और अब 1-1 टीस्पून करके ही मैं पानी ऐड करूंगी, क्योंकि अब बहुत कम पानी यूज़ होगा। बेसन बहुत कम पानी पीता है, इसलिए 1-1 चम्मच करके ही अब मैं पानी ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच पानी ऐड किया है और उसे भी मैं स्पून से ही मिक्स कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं। और अब 1 और चम्मच पानी की ज़रूरत है, तो मैं 1 और चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 1/2 कप और 3 चम्मच पानी ऐड किया है। तो देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब 5 मिनट तक इसको स्पून से ही अच्छे से आपको मिलाते रहना है, ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है सेव मेकर। इसे हर तरफ से अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ताकि इसमें आटा चिपके नहीं। बेसन बहुत स्टिकी होता है, तो हर तरफ ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके ढक्कन को भी ऑयल लगा देना है, और जिससे सेव बनाएंगे उसको भी दोनों तरफ से ऑयल लगा लेना है। उसे इस तरह से रख देना है सेव मेकर में। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल या फिर आप पानी लगा सकते हैं। और जो डव रेडी किया था वो हाथों में अब ले लेना है। अब ये हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और अब इसे हाथों से थोड़ा सा मसल लेना है, ताकि ये अच्छा सा स्मूथ हो जाए। और इस तरह से उसका राउंड बॉल बना लेना है। इस तरह सिलिंड्रिकल शेप दे देना है, जैसा सेव मेकर का शेप होता है। और अब इसको सेव मेकर में डाल देना है और अच्छे से प्रेस कर लेना है। बाकी का बचा हुआ जो भी बेसन है बाउल में, उसे भी अच्छे से निकाल लेना है। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल या फिर पानी लगाते जाएं, ताकि बेसन हाथों में चिपक ना जाए। सारा जो भी बेसन है वो निकाल लेंगे और उसका भी इस तरह से बॉल बनाकर इसमें रख देना है, प्रेस करते जाना है। तो जितना भी चिपका हुआ आटा है वो सारा ही निकाल लेना है, ज़रा भी वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा बाउल साफ कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सेव का जो डव है रेडी हो गया, और हाथ भी खराब नहीं हुए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक पूरा सेव मेकर भर गया है, उतना आटा रेडी हो चुका है। और अच्छे से प्रेस करके अब इसके ढक्कन को बर्न कर देना है। ऑयल वाले हाथ होने की वजह से सेव मेकर ऊपर से ऑयल वाला हो गया है, तो उसे अच्छे से साफ कर लीजिएगा, वरना सेव बनाते वक्त ये हाथों से फिसल सकता है। तो इसे बंद करके पोंछ लीजिएगा। अब मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है, और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें सेव बना लेना है। तो इस तरह सेव मेकर को घुमाते जाना है, और सेव अपने आप ऑयल में इस तरह से चली जाएगी। सेव डालते ही आप देख सकते हैं बहुत सारे बबल्स आ गए हैं। सेव को फ्राई होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जब थोड़ी सी सेव डाल दें, तो फिर इस तरह से तोड़ लें और स्पून से उसको अलग कर लें। और अब देख सकते हैं बबल्स काफ़ी कम हो गए हैं। तो अब इसको पलट लेना है, सावधानी से इसको पलटना है इस तरह से। और जब
बबल्स आना एकदम बंद हो जाए इस तरह से, तब आप सेव को निकाल लें। बेसन की सेव को फ्राई होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। बहुत जल्दी जल्दी सेव फ्राई हो जाती है। और अब इन सेव को टिश्यू पेपर पे निकालते जाना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसी तरह से सारी सेव को तैयार कर लेना है। तो देखा आपने कुछ ही मिनटों में कितनी सारी बेसन की सेव रेडी हो गई है और हाथ भी खराब नहीं हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।